नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलकर यह सूचना दी है कि दिल्ली में एक संवैधानिक संकट है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज जेल में हैं और कई फाइलें जरूरी हैं और कई ऐसे काम हैं जिनमें प्रशासनिक रूप से किसी का दिशा निर्देश होना बहुत जरूरी है, वो सब कुछ रुका पड़ा है। अभी हाल में ही वर्षा हुई और यहाँ पर कई खतरनाक मामले हुए, ऐसे में यहाँ पर कोई निर्णय लेने वाला नहीं है, इसलिए इसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। राष्ट्रपति ने इसका संज्ञान लेते हुए उनका जो पत्र था उसे गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। लेकिन यह सब कैसे होगा? क्या अरविंद केजरीवाल जी की जो जमानत मिलने वाली है उसके मिलने के बाद क्या होगा, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और उम्मीद है कि शायद आजकल में फैसला आने वाला है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का शायद एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी साल भर के बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एज बनाए रखना चाहती है और आपको घेरने की यह तैयारी भी हो सकती है। लेकिन मामला सब कुछ यहाँ ठीक नहीं है। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।